तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो सोफिया T20 सीरीज़ खेली जाएगी। भाई हर साल सोफिया T20 सीरीज़ खेली जाती है, जो कि खेली जाती है बुल्गेरिया वर्सेस सर्बिया के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस सीरीज़ में भाई चार मैच होंगे, जिसका पहला मैच भाई अब से कुछ टाइम बाद, यानी कि आप देख सकते हो करेक्टम करेक्ट भाई शाम को 7:30 पर मैच खेला जाएगा। अभी करंटली अगर बात करें तो सिर्फ 1:52 मैच स्टार्ट होने में बचे हुए हैं। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को एंड तक एक तो देख लीजिएगा और वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आप स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो ये मेरी गारंटी आप इस मैच में काफी बेहतरीन विनिंग करने वाले हो। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर एक एक प्लेयर के स्टेट्स में निकाल कर लेके आया हूं, साथ ही साथ अभी मैं आपको एक टीम प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन भाई वो सिर्फ एक डेमो टीम होगी। जो भी मेरी फाइनल टीम होगी ना, वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर दोनों टीम्स के स्टैट्स की, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अगर भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक है ना काफी ज्यादा मोटिवेट करता और ज्यादा मेहनत करने के लिए। अब अगर बात करें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, या तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो या फिर भाई आप सीधा सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है @realkpm1, सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और यहां पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। सेम इसी चैनल पर आकर आपको भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए भाई यहां पर बात कर लेते हैं मैच के बारे में, मैच के स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर भाई बात करेंगे बुल्गेरिया की, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 रही प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स। तो और एक चीज बता दूं भाई, बुल्गेरिया की टीम यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और यहां पर हम 7-4 का रेशियो लेके चलेंगे, 7 प्लेयर यहां पर लेके चलेंगे हम बुल्गेरिया के, बाकी जो 4 प्लेयर है वो भाई हम यहां पर लेके चलेंगे सर्बिया के। अब चलिए भाई यहां से बात कर लेते हैं, सबसे पहले बुखातिर ताहिरी आपको दिखेंगे, 7 मैच में 159 रन 4 विकेट, 100% आपकी टीम में होने चाहिए। सेम भाई प्रकाश मिश्रा 10 मैच में 86 रन 13 विकेट, दोनों भाई टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते दिखेंगे। इसके अलावा भाई यहां पर आपको कंप्लीट 4-4 ओवर की गेंदबाजी भी करते नजर आ सकते हैं। ईशान अरविंद डिसिल्वा की बात करें तो ओपनिंग करता नजर आएगा, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेगा या फिर बैटिंग सेक्शन में मिल सकता है, बट मोस्टली भाई विकेट कीपिंग करता नजर आएगा आपको। 6 मैच में 101 रन है। सुलेमान अली की बात करें, 6 मैच में 85 रन 5 विकेट, गजब का प्लेयर, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। केविन डिसूजा की बात करें, 7 मैच में 86 रन है, जीएल मिनी जीएल के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉलिंग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। अरिस्तो लकोव की बात करें तो भाई इनकी बैटिंग थोड़ी सी डाउटफुल रहेगी, अगर इनकी बैटिंग ठीक ठाक पोजीशन पर आती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भाई इसके लास्ट साल जो इन्होंने खेला था ना, तब के स्टेट्स है, ठीक है। अगर अब बात करें तो भाई अब इनके जो गेम में काफी ज्यादा बदलाव आया है और काफी अच्छे प्लेयर ये अब बनते नजर आ रहे हैं। T10 में भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जितने भी क्लब T20 टूर्नामेंट इन्होंने खेले लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते गए, तो भाई मैं इनको एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर देख रहा हूँ अभी के लिए। तो ये आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर यहाँ से होने वाले हैं। इसके अलावा रोहन पटेल आपके लिए गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। लेकिन उससे पहले भाई यहां पर बात करते हैं, जो निकोले नानको है इनको आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अरिस्तो बॉय को लवानो की बात करें तो इन्हें भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई करेंगे, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर डी वर्ग से विनू वर्ग से की, तो भाई ये भी आपके लिए जीएल मिनी जीएल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें यहाँ पर क्या नाम भाई इसका डीमो करिस्मो निकोलो की, तो इन्हें भाई आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। 7 मैच में 60 रन 5 विकेट, डोमेस्टिक लेवल पर भाई इनके स्टेट्स मैंने दिखाए हैं, ठीक है। अब अगर बात करें सर्बिया की, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर प्लेयर मार्क करके बता देता हूँ जो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। बुखातिर ताहिरी, प्रकाश मिश्रा, अरविंद डिसिल्वा 3 प्लेयर ऊपर से, इसके अलावा सुलेमान अली 4 प्लेयर, अरिस्तो लको 5 प्लेयर, और यहां से भाई 6th प्लेयर जो हमारा रहेगा वो रोहन पटेल रहेगा, 7th प्लेयर भाई जो रहेगा वो केविन डिसूजा को आप लेके चल सकते हो। तो ये 7 प्लेयर आपकी टीम में जरूर से जरूर रहने चाहिए। सर्बिया की बात करेंगे तो भाई यहां पर अगर बात करें तो आपको दिखेंगे अलेक्सा ने 2 मैच खेले 11 रन बनाए। इसके अलावा ब्रेट डेविडसन दिखेंगे, 5 मैच में 41 रन, इंपॉर्टेंट प्लेयर है,
हमारे टीम में जरूर रहेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो ड्रैगन डजोकी का, इनकी अगर बात करें तो इनके स्टैट्स हमें मिले नहीं। अपोन मुस्ताफिजुर की बात करें, 2 मैच में 11 रन 2 विकेट मस्ट पिक प्लेयर रहेगा। जोवन रब को आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन्हें आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। 2 मैच में 11 रन और 1 विकेट इन्होंने बना रखे। वही अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आपके लिए जो स्लोबोधन टोसी का, ये आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे। 4 मैच में 44 रन 3 विकेट। इसके अलावा भाई जो बोडगन डूजी का, इन्होंने भाई 2 मैच खेले विकेटलेस गए। इसके अलावा भाई बात करें यहाँ पर मतीजा सेरेंस की, तो ये भी विकेटलेस गए। रहमान अदेमी की बात करें तो 2 मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा नेमानिया जिमोनिया की बात करें तो, जिमोनजिन की बात करें तो 5 मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें तो और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं। तो यहाँ से अगर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं मार्क करके बताऊँ तो भाई मेरे हिसाब से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो एक बार मार्क कर देता हूँ। ऊपर से भाई एलेक्सा डजोनगी को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ब्रैड डेविडसन आपकी टीम में होना चाहिए, अपोन मुस्ताफिजुर आपकी टीम में होना चाहिए, सलोबन टोसिक आपकी टीम में होना चाहिए। इसके अलावा भाई एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, एक मिनट भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो आप रहमान अदीम को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई नेमानजिया जिमोनिक को। ये 4 प्लेयर इनमें से, मतलब 5 में से कोई 4 प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अभी एक डेमो टीम बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर भाई लोग सलेक्शन बेस्ड टीम बना के आएंगे, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, सलेक्शन बेस्ड टीम से कभी भी विनिंग आपकी नहीं होने वाली है। जो विनिंग होगी वो होगी भाई स्टैट्स बेस्ड टीम पर या फिर भाई लॉजिक बेस्ड टीम पर, ठीक है। सलेक्शन बेस्ड टीम पर कभी भी आप यहाँ पर फैंटेसी फील्ड में विनिंग नहीं कर पाओगे। तो चलिए भाई एक बार मैं आपको डेमो टीम बना के यहाँ से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से भाई आपके लिए ज़्यादा कुछ अच्छा ऑप्शन है नहीं। ब्रैड डेविडसन मेरे हिसाब से आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे। इसके अलावा एंड्रन डनवर अगर खेलता है तो आप ट्राई फिर भी कर सकते हो। अरिस्तो लवानो को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से अरविंद डिसिल्वा 100% हमारी टीम में रहेंगे। केविन क्या नाम भाई इसका, केविन डिसूजा आपकी टीम में रहेंगे। इसके अलावा रहमान अदेमी को आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। एक बार भाई मैं आपको स्टैट्स फिर से दिखा देता हूँ रहमान अदेमी के, ठीक है। 2 मैच में 2 विकेट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, साथ ही बैटिंग भी करके दे देगा। एक मिनट भाई, तो यहाँ से भाई यार रहमान अदेमी को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, एस टोसिक आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर भाई ये मुस्ताफिजुर को भी अपनी टीम में रख सकते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अदरवाइज भाई यहाँ से भाई अगर बात करें तो और तो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर मेरे को दिख नहीं रहा ऑलराउंडर सेक्शन में। सी अरिस्तो लखो को भाई आप यहाँ पर बोल सकते हो, क्रिस अरिस्तो लखो, तो यहाँ पर सी लखो आपको दिखेगा, 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा भाई विंटले बर्टन खेलता है तो ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। बुखातिर ताहिरी हमारी टीम में रहेगा, प्रकाश मिश्रा हमारी टीम में रहेगा। इसके भाई अगर यहां से बात करें तो आई कतरकजाई भी इंपॉर्टेंट है, बट यहां से अगर खेलेगा तो मैं इसे ट्राई करूंगा, बट अभी के लिए मैं 3 ही प्लेयर यहां से लेके चल रहा हूं। बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की तो सुलेमान अली 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें एल्विन जैकोब अगर खेलेगा तो 101% हमारी टीम में रहेगा ही रहेगा। यहां से भी जिमोनजिक को मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूं। तो अभी के लिए जो मेरी टीम है वो कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब सीवीसी की यहां से बात कर लेते हैं तो भाई कैप्टनसी जो मैं देखे वो ऐसे भाई सी अरिस्तो लखो को देके चलूंगा, या फिर भाई इसे वीसी भी बना सकता हूं। कैप्टनसी आप बुखातिर ताहिरी को भी दे सकते हो, ठीक है, इन दोनों को। इसके अलावा भाई 4 आपके लिए अच्छे ऑप्शन है भाई, यहां से 1, 2 और 3 और यहां से सुलेमान अली, ये 4 बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है सीवीसी के। अरविंद डिसिल्वा के, केविन डिसूजा, इनको भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा एज ए सीवीसी, ठीक है। अभी के लिए अगर टीम के प्रीव्यू की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम आपको हमारी दिखने वाली है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो उसकी डायरेक्ट अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।